एक अद्भुत चमत्कारी और 300 साल पुराना मंदिर। इस मंदिर को लेकर दावा किया जाता है कि उंगली के इशारे से हजारों टन की चट्टान हिल जाती है। झांसी के ग्राम उठोना में लगभग 300 साल पुराना डुगनू माता का मंदिर है। यह मंदिर आबादी से एकदम दूर 1000 फीट की ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। गांव वालों की माने तो ये मंदिर अंग्रेजी शासन काल में स्थापित किया गया था। साथ ही अगर मंदिर की स्थापना की बात करें तो एक चारवाहे ने डुगनू माता की प्रतिमा को नदी में बहते हुए देखा, जिसके बाद इस चरवाहे ने उसे उठाकर पहाड़ी की चोटी पर स्थापित किया था। कहा तो ये भी जाता है कि देवी ने इस चरवाहे से उसके पुत्र की बलि मांगी। चरवाहे ने देवी माँ की इच्छा पूर्ण करते हुए अपने पुत्र की बलि दे दी, और जैसे ही वो नीचे उतरकर सीढ़ियों से आया तो उसने देखा कि उसकी बकरियों के साथ उसका पुत्र खेल रहा है। इसे देखने के बाद इस मंदिर की ख्याति दिनों दिन बढ़ती चली गई। यहाँ 1000 टन की चट्टान है जो मात्र उंगली के इशारे से हिल जाती है, और ये एक ऐसा करिश्मा है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आ जाते हैं। डुगनू माता का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। झांसी मुख्यालय से लगा हुआ ये मंदिर प्रेम नगर क्षेत्र से होता हुआ अठोदना गांव के बाहर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर तक जाने के लिए बड़ा ही दुर्गम और कठिन रास्ता है। पहाड़ी के कुछ हिस्से में गांव वालों ने सीढ़ियां बनवाई है, और उसके बाद उबड़ खाबड़ रास्ते को चलते हुए डुगनू माता के मंदिर तक पहुंचा जाता है। चट्टानों से घिरा हुआ ये मंदिर जितना अद्भुत है उतना ही चमत्कारी है। यहाँ आने वाले भक्तों से बात करने पर पता चला कि ये एक सिद्ध पीठ है जहाँ लोगों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। महाराज जी, ये जो डुगनू माता का मंदिर है, यहाँ की विशेषताएं क्या हैं? विशेषता यही है कि माता का पत्थर हिलता है, बहुत बड़ी चट्टान है, वो चट्टान से विनती करते हैं और आदमियों की वो विनती पूरी हो जाती है। ये कौन सा गाँव है राजन जी? ये अठोना गांव है जी, अठोना पहुज गांव में बचता है। डुगनू माता की क्या इतिहास है, कैसी मान्यता है इनकी? ये डुगनू माता बहुत पुरानी सिद्ध पीठ है। यहाँ पे जी बहुत ही हजारों वर्ष पुरानी मूर्तियां हैं। मंदिर की बहुत मान्यता है। ये पत्थर का बताते हैं, इस पत्थर को उंगली से हिलाते हैं तो ये हिल जाता है। ये कितना बड़ा पत्थर होगा? लगभग ये काफी बड़ा पत्थर है। तो आप कहाँ से आते हैं? हम सिपरी बाजार से आए हैं। कितने वर्षों से आ रहे हैं आप यहाँ पे? लगातार 8-10 सालों से आ रहे हैं। तो क्या आपकी यहाँ मान्यताएं पूरी होती है? पूरी होती है। ये कितनी ऊंचाई पे बना हुआ है? बहुत ऊंचाई पे है, पहाड़ी पे है। ये पहाड़ों के बीच बना हुआ है? पहाड़ों के बीच बना हुआ है। तो अच्छा, ये बताइए आपके परिवार के कितने लोग आए हैं आज यहाँ पर? हमारे परिवार के मम्मी आई है। सच्चे मन से जो भी इस मंदिर में अपनी मनोकामना मांगता है, डुगनू माता उसकी इस मनोकामना को जरूर पूरा करती हैं। वहीं श्रद्धालुओं ने ये भी कहा है कि यहाँ विकास की जरूरत है, जिससे श्रद्धालुओं को आने जाने में कठिनाई ना हो। उनकी ये मांग है कि जिला प्रशासन इस ओर ध्यान दे ताकि समस्या का समाधान निकल सके। मौजूद है झांसी से लगभग 40 किलोमीटर दूर ग्राम अठोना पर, जहाँ पर एक पहाड़ी पर डुगनू माता का मंदिर है, जिसकी विशेषता ये है, एक विशाल काय पत्थर दो उंगलियों से हिलाया जाता है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उन्होंने इस पत्थर को हिलाया, देखने में एक आश्चर्यजनक है। बताया जाता है कि ये डुगनू माता का मंदिर अंग्रेजों के जमाने से स्थापित है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जिस पत्थर को दो उंगलियों से हिला दिया जाता है, इसको बड़े बड़े लोग हिला भी नहीं सकते, मात्र दो उंगलियों से ये पत्थर हिल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इन लड़कियों ने पत्थर को हिलाया। क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा जी, क्या पाया आपने यहाँ आके? यहाँ के हमने बहुत कुछ पाया। ये पत्थर कैसे हिलता है? ये दो अंगूठी से हिलता है। आपने अभी हिलाया? हाँ जी, हिलाया। तो ये है भक्तगण जो बता रहे हैं पत्थर हिलता है, वास्तव में पत्थर हिलता है, इसको मैंने अपनी आंखों से देखा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। यहाँ बताते हैं कि इसी माता जी नदी में बहती हुई आई थी, एक गडरिये ने उनको यहाँ स्थापित किया था, उस गडरिये ने अपने बच्चे की बलि भी दी थी माता के कहने पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जब माता के कहने पर अपने बच्चे की बलि दी उस गडरिये ने, तो उसका जब वो यहाँ से उतर के नीचे गया तो उसने अपने बच्चे को बकरियों में पाया। इसलिए यहाँ की मान्यता अधिक है। यहाँ लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं, अपनी मान्यताएं मानते हैं, उनकी मान्यताएं पूरी होती है। पहाड़ी पर स्थापित है, कम से कम 500 सीढ़ियों के ऊपर लोगों को चढ़ के जाना पड़ता है, उसके बाद कहीं जाके माता के दर्शन होते हैं। ये अपने आप में एक अचंभा है, देखने वाली बात है कि इतनी ऊंचाई पर श्रद्धालु चढ़ के आते हैं और ये विशाल काय पत्थर जो है मात्र दो उंगलियों से हिलता है, जो अपने आप में एक अजूबा, एक करिश्मा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।